आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,06,499 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 23,950 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 24 घंटे में 333 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,46,509 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 564 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 87,940 पहुंच गए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 230 कोरोना मरीज मिले, जबकि नैनीताल में 113, हरिद्वार में 37, उधमसिंह नगर में 31, पिथौरागढ़ में 30, रुद्रप्रयाग में 26, अल्मोड़ा में 23, चमोली में 18, पौड़ी में 17, टिहरी में 15, चंपावत में 14, उत्तरकाशी में 6 और बागेश्वर में 4 संक्रमित मिले। प्रदेश में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, वेलमेट हॉस्पिटल में 2, एम्स ऋषिकेश में 1, HNB बेस अस्पताल श्रीनगर में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,447 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हंगामे के बीच सदन दो बार हुआ स्थगित, विपक्ष का वॉकआउट। तो सदन में बुधवार को विपक्ष ने सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा, दिन भर हंगामा चला, दो बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। बाद में सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आज बृहस्पतिवार को विपक्ष ने महंगाई पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। मंत्री हरक सिंह रावत रहे निशाने पर, तो इससे पहले प्रश्नकाल और शून्यकाल में भी ट्रेजरी बैच को विपक्ष के तकल रुख का सामना करना पड़ा। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को कर्मकार बोर्ड के मामले में विपक्ष के सवालों का जवाब देना पड़ा। यह मामला विपक्ष ने भ्रष्टाचार पर चर्चा के प्रस्ताव के तहत भी उठाया। हरक सदन में सफाई देते हुए भावुक भी हुए। नैनीताल में क्रिसमस और 31 को रात्रि कर्फ्यू लगाएं। तो हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि नैनीताल, मसूरी और देहरादून में क्रिसमस और 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को रोकने के लिए सरकार की क्या इंतजाम है। कोर्ट ने नैनीताल के मामले में जिला निगरानी समिति के उस सुझाव पर अमल कराने को कहा, जिसमें समिति ने नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर की शाम 8 बजे से अगली सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू लगाने की बात कही है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि अगली सुनवाई से पहले कुंभ मेले को लेकर नई SOP जारी करें। विधायक नेगी का होगा DNA टेस्ट, आज सैंपल के लिए बुलाया। तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट देहरादून ने दुष्कर्म के आरोपी द्वारा हट विधायक महेश नेगी को DNA के लिए ब्लड सैंपल देने के लिए आदेश दिए हैं। उन्हें बृहस्पतिवार को देहरादून CGM कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। इसके लिए दून अस्पताल प्रबंधन को भी DNA सैंपल के लिए टीम भेजने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। पीड़िता का दावा है कि उसकी बेटी के जैविक पिता विधायक नेगी ही हैं। वर्तमान में इस मुकदमे की विवेचना महिला थाना श्रीनगर द्वारा की जा रही है। DIG हरिद्वार रवाना, रात 2 बजे बुलाई बैठक। तो हरिद्वार में 11 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के मामले में भड़के जन आक्रोश से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते DIG गढ़वाल रेंज नीरू गर्ग बुधवार की आधी रात हरिद्वार रवाना हुए। नीरू गर्ग ने देर रात 2 बजे हरिद्वार पुलिस के जिम्मेदार अफसरों को तलब किया। उल्लेखनीय है कि 4 दिन पूर्व हुई एक इस जघन्य वारदात में दूसरा आरोपी राजीव कुमार पुलिस के हाथे नहीं चढ़ पाया। उसकी गिरफ्तारी और कठोर सजा देने की मांग पर पूरे हरिद्वार में प्रदर्शन हो रहा है। हरिद्वार में चौथे दिन भी उबालता आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी देने की मांग को लेकर के सड़कों पर उतरे नगरवासी। वहीं पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो मासूम के पिता ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस 4 दिन बाद भी फरार आरोपी और उसके परिवार रिश्तेदार तक नहीं पहुँच सकी। आरोप लगाया कि पुलिस सपोर्ट नहीं, टाइम पास कर रही है। मासूम बिटिया के साथ हुई दंदगी के विरोध में धर्मनगरी के चौथे दिन भी विभिन्न संगठनों ने के लोगों ने गुस्सा दिखा। सुबह से शाम तक विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मासूम को अलग अलग माध्यम से श्रद्धांजलि दी। वहीं खबर आई हरिद्वार से ही, दुष्कर्म की शिकार हुई किशोरी हुई गर्भवती। तो नगर कोतवाली क्षेत्र की एक कॉलोनी में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ कि अब एक और इलाके में किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पेट में दर्द होने पर जब उसकी जांच कराई गई तो गर्भ ठहरने की बात सामने आई। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। नगर कोतवाली पुलिस के मुताबिक करीब 3 महीने पहले पड़ोसी युवक ने 15 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद भी डरा धमका कर कई बार उसने हवस का शिकार बनाता रहा। 62% ने दी पशुपालन रेशम विभाग में भर्ती की परीक्षा। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित कराई गई पशुपालन और रेशम विभाग की भर्ती परीक्षा में 62% उम्मीदवार शामिल हुए।
परीक्षा के दौरान एक और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया तो दूसरी ओर उम्मीदवारों को सघन चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया। आयोग के सचिव संदीप बड़ोनी ने बताया कि प्रसार अधिकारी के 120 पदों के साथ ही अधिदर्शक रेशम के 26 और निरीक्षक रेशम के 3 पदों के लिए यह परीक्षा 21 से 23 दिसंबर के बीच कराई गई। परीक्षा के लिए देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी और गोपेश्वर में केंद्र बनाए गए। परीक्षा के लिए 23,157 उम्मीदवारों को प्रवेश जारी किया गया, जिनमें से 14,436 ने परीक्षा दी। आयोग सचिव बड़ोनी ने बताया कि 19 से 23 दिसंबर के बीच हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की उत्तर कुंजी 28 दिसंबर से वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से इन सभी एग्जाम की आंसर की 28 दिसंबर को आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगी। हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया तो वर्ष 2021 की सरकारी छुट्टियों की लिस्ट जारी हो गई है। तो उत्तराखंड में स्कूल, कॉलेज और कार्यालय में वर्ष 2021 में होने वाली छुट्टियों की सूची जारी कर दी गई। 16 जुलाई को हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। वर्ष भर में 46 अवकाश घोषित किए गए हैं। तो सार्वजनिक अवकाश इस प्रकार से हैं: गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि पर होलिका दहन, होली, गुड फ्राइडे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, ईद उल फितर, बुद्ध पूर्णिमा, हरेला, ईद उल जुल्हा, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गांधी जयंती, दशहरा, ईद ए मिलाद, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस, गुरु गोविंद सिंह जयंती, चेटीचंद, विश्वकर्मा पूजा, गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस। छात्र का रिजल्ट रोकने के मामले में आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राजपुर रोड स्थित एक स्कूल के खिलाफ शिकायत पर मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा कि एक अभिभावक की ओर से शिकायत की गई कि बच्चे की फीस जमा न कराए जाने पर उसका रिजल्ट रोकने के साथ ही उसका नाम काट दिया गया। आयोग की ओर से कहा गया कि इस मामले में स्कूल की ओर से अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, जबकि कोरोना काल में किसी भी बच्चे का नाम नहीं काटा जा सकता। सीईओ एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई से आयोग को अवगत कराएं। शहीदों के आश्रितों को अब एकमुश्त सहायता मिलेगी। तो देश के लिए प्राण निछावर करने वाले शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार अब एकमुश्त अनुग्रह राशि देगी। इसमें रक्षा बल और अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होंगे। इसके लिए बुधवार को विधानसभा ने उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। एससी छात्रों के लिए धनराशि मंजूर की गई। तो सरकार ने एससी छात्रों की शिक्षा को अगले 5 वर्ष में 59,000 करोड़ की मैट्रिकोटर छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन टीका 12 माह तक असरदार। तो देश में बन रहे कोरोना टीका को लेकर के एक बेहद अच्छी खबर आ रही है। टीके के 6 से 12 महीने तक असरदार रहने की संभावना है। टीके के पहले एवं दूसरे चरण के परीक्षणों के आधार पर यह आकलन किया गया है। गंगोली हाट में 48 घंटे का लॉकडाउन। तो पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार सुबह 8 बजे से 48 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। गंगोली हाट में बीते 15 दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित की संख्या 273 पहुंच गई है। जिला प्रशासन ने कोरोना का सामुदायिक प्रसार और संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। उपभोक्ता आयोग ने अवमानना पर 3 इंजीनियरों को दी सजा। तो जिला उपभोक्ता आयोग ने आदेश की अवहेलना पर यूपी के बिजली विभाग के 2 अधिशासी अभियंता और 1 एसडीओ को दोषी करार दिया। आयोग ने सख्त रूख अपनाते हुए तीनों को एक एक वर्ष की कैद और 1-1 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कुंभ में फेस शील्ड पहनेंगे पुलिसकर्मी। तो डीजीपी अशोक कुमार ने कुंभ के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य रूप से फेस शील्ड प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन सख्त कारोबारी पस्त। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देहरादून जिले में क्रिसमस और नए साल के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई है। जिला प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट, बार, पब, क्लब आदि में पार्टी की अनुमति नहीं दी है। इसे लेकर पुलिस ने सख्ती के आदेश का पालन कराने के लिए कमर कस ली है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन के इस फैसले से कारोबारी मायूस हैं। कुंभ के लिए 6 जनवरी से पहले एसओपी जारी करेगी सरकार। तो नैनीताल में क्रिसमस और 31 पर रात का कर्फ्यू लग सकता है। जिला निगरानी समिति ने हाईकोर्ट को रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू लगाने का सुझाव दिया। हाईकोर्ट ने सरकार से इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।
मसूरी में साप्ताहिक बंदी से पर्यटक परेशान। तो मसूरी में बुधवार को साप्ताहिक बंदी के चलते पर्यटकों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, जहां एक और साप्ताहिक बंदी के कारण पर्यटक जरूरी सामान नहीं खरीद पाए। मसूरी के सबसे पुराने चर्च में सन्नाटा। तो मसूरी के सबसे पुराने चर्च सेंट पीटर्स कैथोलिक चर्च में इस बार क्रिसमस की रौनक नहीं है। यहाँ भी इस बार बड़े आयोजन नहीं होंगे। दून में क्रिसमस पर चर्चों में बिना जश्न के होगी प्रार्थना। सचिवालय को शिक्षक छात्रों पर चलाई लाठियां। तो अम्ब्रेला एक्ट के विरोध में डीएवी पीजी कॉलेज ने निकाली रैली। पुलिस पर लाठी चार्ज का आरोप, विरोध में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। तो अम्ब्रेला एक्ट के विरोध में सचिवालय कूच कर रहे अशासकीय कॉलेजों के शिक्षक कर्मचारी और छात्रों को सचिवालय से पहले ही पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चलाई। शिक्षकों और छात्रों ने पुलिस की ओर से लाठीचार्ज का आरोप लगाया है, कहा कि इससे कई शिक्षक और छात्र चोटिल हुए हैं। भड़के छात्र लाठियां मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के सड़क पर ही धरने में बैठ गए। बाद में सीओ के समझाने और सिटी मजिस्ट्रेट के ज्ञापन लेने पर धरना खत्म किया गया। दून में रात दिन में तापमान में 18 डिग्री का भारी अंतर। तो देहरादून में बीते दो दिन में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। 21 दिसंबर को जहां तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम चल रहा था, वहीं अब सामान्य से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है। रिस्पना बिंदाल में बाढ़ के खतरों की जानकारी देगा इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देहरादून के माइक्रो क्लाइमेट पर शोध करेगा। इसके तहत इसरो के वैज्ञानिक उच्च क्षमता के ड्रोन के जरिए रिस्पना और बिंदाल के किनारे बसी शहरी आबादी को बाढ़ से होने वाले खतरों का आकलन करेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का हल्ला बोल। तो राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर तले पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य आंदोलनकारियों ने विधानसभा कूच कर सरकार को उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदर्शन के दौरान बेरोजगार संघ के प्रवक्ता लुसुन डुडरिया ने विधानसभा से करीब 500 मीटर दूर आलू बम यानी जमीन पर फेंक कर फूटने वाले पटाखे फोड़ कर आंदोलनकारियों के अहिंसक प्रदर्शन को हल्के में न लेने की चेतावनी दिलाई। किट्टी ठगी में 12 साल से फरार दंपति गिरफ्तार। तो लाखों रुपए की किट्टी ठगी में 12 साल से फरार 10,000 के इनामी दंपति को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रुपए लेकर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट देने की हुई पुष्टि। तो सीएससी रायपुर में कोरोना जांच के लिए पहुंचे युवाओं से रुपए लेने की पुष्टि हुई। हालांकि आरोपी कर्मचारी के अनुसार युवाओं से सरकारी फीस ली गई। उत्तराखंड में बढ़े चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले। तो उत्तराखंड में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सीसीआर पोर्टल यानी साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में उत्तराखंड से संबंधित 315 मामले पुलिस मुख्यालय में भेजे गए। अब इन मामलों का बड़े पैमाने पर सत्यापन किया जा रहा है। शुरुआती जाँच में एक मामले में देहरादून में पिछले दिनों FIR दर्ज भी की गई। पुलिस के अनुसार जल्द ही इन मामलों में बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। वहीं खबर रही है, बैंक का अधिकारी बन जवान के खाते से 52,000 रुपये उड़ा दिए गए हैं। तो सेना के जवान से 52,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। वहीं खबर है, देहरादून से बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार। तो घर में बच्ची को अकेला पाकर एक युवक ने उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। स्मैक के साथ बरेली के दो तस्कर गिरफ्तार हुए। तो ऑपरेशन सत्य के तहत पुलिस ने स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI में 452 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र के रिक्त पदों पर अवसर, तो 34 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। लेक्चरर के पदों पर महिला व पुरुष करें आवेदन, तो 1473 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी रखी गई है। सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर साक्षात्कार, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। 5 जनवरी को साक्षात्कार होगा।
पौड़ी के ऐतिहासिक टेनिस कोर्ट को मिलेगी नई पहचान। तो डीएम ने कोर्ट के संरक्षण के लिए ठोस और सकारात्मक प्रयास करने की बात कही है। धू कर जल रहे जखोली के जंगल तो तिलवाड़ा में एक तरफ जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के उत्तर व पूर्वी जखोली के जंगल में बीते दिनों से वनाग्नि जल रहे हैं। गोपेश्वर से खबर है जहाँ पे एक ही विषय में 23 छात्र छात्राओं में से 20 को फेल कर दिया। तो सिद्धू सुमन विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर में एमएससी वनस्पति विज्ञान के चतुर्थ सेमेस्टर में 20 छात्राएं सीड पैथोलॉजी विषय में फेल हो गए। छात्र छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन भेजा है। खतरे में बद्री गाय की नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान से होने वाले बछड़े में नहीं आ पा रहे हैं बद्री के गुण। वही खबर है 526 युवाओं में ने कराई जांच, एक पॉजिटिव निकला है। तो कोटद्वार में चल रही सेना भर्ती में शामिल होने के लिए बुधवार को चमोली के 526 युवाओं ने कोविड जांच कराई, जिसमें से एक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हरिद्वार की खबरों की बात करते तो आरोपी की जल्द गिरफ्तारी न हुई तो होगा आंदोलन, तो जगह जगह धरना प्रदर्शन हुआ है। हल्द्वार नैनीताल की खबरों की बात करें तो पर्यटकों के बिना मनेगा नए साल का जश्न, तो नैनीताल के होटलों में कम हो रही है बुकिंग। बच्ची समेत 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो हल्द्वार से खबर जहां पे जिले में कोरोना के 113 केस सामने आए हैं। यूपीसीएल ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे 5 लोगों पर लगाया 275,000 रुपये का जुर्माना। वहीं 2 महिलाओं को मारने वाला तेंदुआ आदमखोर घोषित हो गया है। तो डीडीआर से खबर है जहां पे देवलथल तहसील में 2 महिलाओं को मारने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया गया। इस क्षेत्र में एक पिंजरा भी लगाया गया है। उत्तरायणी में इस बार सिर्फ यज्ञोपवीत संस्कार होगा। तो कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सादगी से मेला मनाने का निर्णय लिया गया है। नेम प्लेट साइन बोर्ड में दिखेगी अर्पण कला। तो विलुप्त हो रही कला के संरक्षण के लिए डीएम की पहल विकास भवन में झलकेगी। वही खबर है चंपावत से महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हो गया है। छात्र का उत्पीड़न रोका जाए तो वन बसा चंपावत से खबर है जहाँ पे छात्र संघ टनकपुर के पदाधिकारियों ने एक अधिवक्ता की ओर से चंपावत महाविद्यालय के एक छात्र के खिलाफ भूमि विवाद का मुकदमा दर्ज कराने का विरोध किया है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की तो किसानों ने खून से लिखा पत्र, लोगों से भावुक अपील। तो किसान दिवस पर गाजीपुर सीमा पर शहीद किसानों को दी श्रद्धांजलि, समर्थन मांगा। तो किसानों ने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा। किसान सेवकों ने रक्तदान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखकर भेजा है। प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में किसान ने लिखा कि दिल्ली में किसान 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए आंदोलनरत है। किचन गार्डन में उगाइए ढिंगरी मशरूम, अतिरिक्त आय के साथ सेहत भी बनेगी। तो मशरूम खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। किचन गार्डन जैसी छोटी सी जगह में भी इसकी खेती हो सकती है। 8 खिलाड़ी देंगे राज्य स्तरीय ट्रायल। तो रुद्रपुर में दूसरे दिन हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, जूडो और बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएँ हुई।